हाय एवरीवन, सत श्री अकाल सारिआं नूं। हांजी गाइज, मैं ऑडिबल हैगी हाँ। सत श्री अकाल जी, हैलो एवरीवन, जल्दी नाल दसो मैं ऑडिबल हाँ ताकि मैं सैशन नूं जिहड़ा है बच्चा स्टार्ट कर सकां। गुड आफ्टरनून जी, हाय, सॉरी 2 दिन बाद क्लास हो रही है, आई वॉज़ नॉट वैल। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹੋਲੀਡੇ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਵਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ठीक है, चलो स्टार्ट करिए फिर आज का सेशन, लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जड़ा है थोड़े सामने आता है, करो सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्ना अवार्ड? हाँ जी, लगाओ भाई, कौन इदा दे पहले सिगे जेडे फर्स्ट रिसिपिएंट सिगे राजीव गांधी खेल रत्ना अवार्ड दे? विजय अमृतराज, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद। बच्चा अगर तुसी पंजाब ते हरियाणा दी भी तैयारी कर रहे हो या अगे पंजाब एसआई पुलिस दी भी तैयारी कर रहे हो, अज मेरे सैशन हैगे, एक हैगा तुहाडा 6 PM ते एक हैगा बच्चा तुहाडा 7 PM। तुसी ये सैशन दोनों लै सकदे हो जिहदे विच मैं हरियाणा हाई कोर्ट ते पंजाब एसआई पेपर दा पूरा एनालाइजेशन जिहड़ा है कर रही हां। हाँ जी, लगाओ भी आंसर, की आंसर आएगा? विश्वनाथन आनंद पहले सीगे जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलिया सीगा। एनी गैसेस? ओके, लगाओ, वेरी गुड। व्हाट विल बी द राइट आंसर? सी, सारा द आंसर जड़ा है गलत है, जड़े सी कह रहे हैं, आंसर विल बी बच्चा डी, विश्वनाथन आनंद जड़े है इन्हों पहला रिसिपिएंट अवार्ड जड़ा है मिलिया सी। विश्वनाथन आनंद जड़े है एक तरीके के चैस प्लेयर है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि यह नाम कि रिलेटिड है कि खेल खेलते हैं, इन्हों पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जोड़ा है फर्स्ट रिसिपिएंट बने से जिन्होंने मिलया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड इज़ गिवन टू द बेस्ट कोच इन द स्पोर्ट्स गेम्स? खेडा खेडा विच सर्वोत्तम कोच नू केड़ा पुरस्कार जड़ा है दिता जाता है? ऑप्शन दिते गए ने, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या अर्जुना अवार्ड? आया सी क्लर्क दे, ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ जी, अर्जुना अवार्ड दिता जाता या द्रोणाचार्य अवार्ड दिता जाता? ध्यान नाल देखो कि बेस्ट कोच नू मिलता है, मैं पिछली बार भी करवाया सीगा कि जड़ा अवार्ड हैगा बच्चा द्रोणाचार्य अवार्ड जड़ा है वो तुहाडे गुरु नू दिता जाता है। बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नैक्सट क्वेश्चन दी ओर वधदिआं, अगला क्वेश्चन देखो, हु बिकेम द फर्स्ट जिमनास्ट टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? ऑप्शन दिते गए ने, अनंत राम, अरुणा रेड्डी, आशीष कुमार या दीपा कमाकर? हु बिकेम द फर्स्ट जिमनास्ट टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्ना अवार्ड? बी, जिमनास्ट पूछा गया बच्चा, तुहानू पता है, तुहानू आंदा है फर्स्ट जिमनास्ट बने सी जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जड़ा है मिलिया सी। एग्जैक्टली गुरासीर सिंह, बिल्कुल आंसर तुहाडा सही है, आंसर है दीपा करमाकर। दीपा करमाकर जड़े है इन्हों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जड़ा है फर्स्ट रिसिपिएंट बनी सी जिन्होंने मिलिया सी। जिमनास्ट पूछा गया सी, इजली आंसर दे सकते सीगे। ओके, नैक्सट क्वेश्चन, हु इज़ अ फर्स्ट इंडियन? किहड़े इदां दे पहले इंडियन बने जिन्होंने पुलतीजर प्राइज जड़ा है मिलिया, जिन्होंने आप कहने नोबल प्राइज ऑफ द आर्किटेक्चर? एक तरीके नोबल प्राइज, नोबल प्राइज भी कहने आर्किटेक्चर की कैटेगरी के, बट ये तुम दसना इंडियन कौन से जेडे फर्स्ट रिसिपिएंट जड़े है बने? यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चा अज एक गल याद रख लेना, अज साडा डबल वैलिडिटी ऑफर हैगा क्योंकि पंजाब का महापैक जिहड़ा है जिहदे विच सारे कोर्सेज मिलते हैं, तुहानू 3200 रुपए का 2 साल लई मिल रहा है, तुसीं उहनू परचेज कर सकते हो जिहदे विच सारे कोर्सेज आ जाते हैं। हाँ जी, की आंसर आएगा? गोबिंद बिहारी लाल, संघ मित्रा कलिता, झुंपा लहरी या गीता आनंद? निमरत कौर, बच्चा मेरी क्लासेस दी यूट्यूब दी वीडियोज़ दी पीडीएफ नहीं मिलती है, तुसीं सैशन लै सकते हो,
ठीक है, हाँ जी बी, नहीं बच्चा आंसर थोड़ा गलत है, आंसर है गोबिंद बिहारी लाल। ठीक है, गोबिंद बिहारी लाल जिहड़े सीगे इहनां नूं पहला ये एक तरीके नाल इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट हैगे ने, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट भी हैगे ने, इन्हां ने पुलतीजर प्राइज जिहड़ा है 1937 दे विच जिहड़ा है जितया सीगा। ठीक है, ही शेयर द प्राइज़ विद द फोर अदर रिसिपटेंट्स जो कि तुहाडे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो सीगे, ते इत्थे जिहड़ा है बी विल बी द ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कलरफुल आर्ट नेम जिहदा नाम है नंदा ब्लॉक प्रिंट विच यूजिज द ग्रेसफुल येट अलाइंड अरेजमेंट ऑफ द मोटिवस ऑन अ फैब्रिक, ये प्रैक्टिस होंगे ने तारापुर विलेज ऑफ केड़े विलेज दे विच। हाँ जी, गुड ईवनिंग गाइस सारयां नूं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कलरफुल आर्ट हैगी है, ठीक है, जिस नंदा ब्लॉक प्रिंटिंग होंगी है, ये ग्रेसफुल होंगी है, मोटिवस फैब्रिक्स का ये इस्तेमाल किया जाता है, ये तुहानूं दसना हैगा वा कि ये तारापुर विलेज कित्थे है। इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन, जिद्दां ही तारापुर विलेज आ गया, एक नी मच डिस्ट्रिक्ट हैगा उत्थे पाया जांदा हैगा, इहदे विच मोटिव ते फैब्रिक्स दा इस्तेमाल करके ये ब्लॉक पेंटिंग कीती जांदी है, ये मध्य प्रदेश दे विच हैगा, नॉट महाराष्ट्र बच्चा, मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर। मैं तुहानूं दिखा देनी हाँ, कुछ इस तरीके नाल हुंदी है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन दी ओर वधदे हां। अगला क्वेश्चन देखो, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज द ट्राइब निशी बिलोंग, केड़ा इदा दा स्टेट है, इंडियन स्टेट जिद तो निशी जड़ी है बिलोंग करती है। ऑप्शन दिते गए ने तमिलनाडु, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़। यस गाइज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निशी कई बार इनू निशी इदा भी लिखा जाता है, निशी या इनू कई बार बंगानी भी कहा जाता है, बंगनी, या कई बार इनू डफला भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी, कितने पाई जाती है, बिहार के विच पाई जाती है, तमिलनाडु के विच पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश के विच पाई जाती है या छत्तीसगढ़ के विच। गोविंद मेहरा जी कहते हैं कि मैम सी अरुणाचल प्रदेश। यस बिल्कुल सही है, निशी ट्राइब जी है अरुणाचल प्रदेश के पाई जाती है, कुछ इस तरीके की ट्राइब होंगी है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अगर आप देखिए ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के पाई जाती है, और इस तरीके की ट्राइब होंगी निशी। ये ना यूट्यूब चैनल भी है जो इन्हों की पूरी द पूरी पर्टिकुलर दसदा कल्चर इन्हों का की है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसिस इज फेमस फॉर द चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, चिकनकारी ली कि जगह जी है इंडिया के फेमस है। ऑप्शन दिए गए ने इंदौर, हैदराबाद, चेन्नई या लखनऊ। लड़कियां नूं जरूर पता होएगा, बाकी तो मैनू पता नहीं, गर्ल्स नूं जरूर पता होगा कि चिकनकारी कित्थे फेमस होंदी है, किदी फेमस है। हाँ जी, इंदौर, हैदराबाद, चेन्नई या लखनऊ। दी लखनऊ, लखनऊ सब तो ज़्यादा चिकनकारी के लिए फेमस हैगा, लखनऊ दे कुर्ते है ना, एग्जैक्टली लखनऊ जिहड़ा है चिकनकारी लई फेमस है, डी विल बी द राइट आंसर। ओके बच्चा, नैक्सट क्वेश्चन दी और वधदे हां। चेरिया स्कॉल्स इज अ डाइंग आर्ट, ठीक है, ये आर्ट है इंडिया दे विच जो प्रैक्टिस की जाती है वन फैमिली दे द्वारा जिहदा नाम है नकाशी फैमिली, ये जनरेशन तो करती आ रही है, तुहानूं दसना है कि जिहड़ी मॉडर्न डे स्टेट दे विच कित्थे आर्ट फॉर्म जिहड़ी है ये परफॉर्म की जाती है या बनाई जाती है। हाँ जी, अज सर दा तुहाडे शायद लैपटॉप खराब है या नैट दे विच इशू है तां करके तुहाडी करंट अफेयर दी क्लास नहीं लगी बच्चा। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल या तेलंगाना। द चेरियल स्क्रॉल्स इज अ डाइंग आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया, प्रैक्टिस कीती जाती है एक फैमिली के द्वारा जिहदा नाम है नकाशी, ठीक है, ये मैनी जनरेशन तो परफॉर्म की जा रही हैगी है, तुहानूं ये दसना है कि ये आर्ट फॉर्म जिहड़ी है कित्थे दी हैगी है। हाँ जी, भावना गोयल कहती है कि मैम तेलंगाना लगा दो, भावना गोयल वेरी गुड, इतने जो आंसर है तेलंगाना ही आएगा, ये जी प्रेजेंट डे तेलंगाना दे विच परफॉर्म मतलब बनाई जाती है कुछ इस तरीके नाल अगर तुसी देखोगे ये आर्ट फॉर्म है। ठीक है, चेरियल स्क्रॉल्स। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट वर्ली आर्ट ये ओरिजिनेट करती है, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला या मध्य प्रदेश। रविकांत प्लीज़ ना करो, मैं तुहानूं कह चुकी हाँ कि तुहाडी क्लास नहीं लगी है, प्लीज़ इहनूं ना करो गाइज, इहनूं हजे रिपोर्ट मारो रविकांत 4627 नूं, ब्लॉक हिम, एवरीवन रिपोर्ट करो।
हाँ जी, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डिड वर्ली आर्ट ओरिजिनेट? हाँ जी, राजस्थान। ओके, महाराष्ट्र नहीं हो सकता, राजस्थान क्यों कह रहे हो? वर्ली आर्ट जड़ी है। एनी गैसेस? मैनू तो लगता इतने महाराष्ट्र होएगा। हाँ जी, आंसर विल भी बच्चा महाराष्ट्र। मैं तुहानू ये आर्ट फॉर्म दिखा देनी हाँ, कुछ इस तरीके नाल आर्ट फॉर्म होंदी है, इनू वर्ली पेंटिंग आपां कहने हाँ। ये ट्राइबल आर्ट फॉर्म हैगी है, जिस ट्राइब्स देखो बनाई जा रही ने, है ना। ये नॉर्थ सियादी रेंज जिहड़ी महाराष्ट्र दे विच ये पेंटिंग होंदी है, वॉल्स वगैरह ते लगाई जाती हैगी है। राइट, नैक्सट क्वेश्चन, द पत्ता चित्रा स्टाइल ये पेंटिंग हैगी है, सब तो ज़्यादा ओल्डेस्ट पेंटिंग मनी गई है, पॉपुलर आर्ट फॉर्म मनी गई है, किहड़े स्टेट दे विच परफॉर्म की जाती है? हाँ जी, एनी गैसेस? क्वेश्चंस अच्छे लगे ना अज दे? सी क्वेश्चंस जड़े हैं मैं लेके आई थोड़े जे फैक्चुअल वन, जड़े आर्ट वगैरह हो गए ये उपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सी विल बी द राइट आंसर, उड़ीसा। बिल्कुल तुहाड़ा आंसर सही है कि जदों आपां पत्ता चित्रा स्टाइल दे बारे गल करते हैं, बच्चा इस तरीके का स्टाइल हैगा जिदे विच पेंटिंग बनाई जाती है, ओल्डेस्ट है, मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग हैगी है उड़ीसा दे विच बनाई जाती है। जिहड़ा पट्टा हुंदा है, पट्टा का मतलब हुंदा है कैनवस, जिदे विच तुहाड़ी ये पेंटिंग नू लगाया जाता है। चित्रा का मतलब हुंदा है पिक्चर, ठीक है, उड़ीसा एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन गिवन अ जी आई टैग फॉर कसूती एम्ब्रॉयडरी? केड़ा एदे विचो स्टेट होएगा जिसनू जी आई टैग दिता गया है कसूती एम्ब्रॉयडरी ली? हाँ जी बच्चा, इदा दे क्वेश्चन जरूर सारे एग्जाम दे विच आ सकते ने, ये क्वेश्चन इदा दे हुंदे ने, किसी भी एग्जाम दे विच टपक पैंदे ने, दैट इज़ वाई तुहानू करवाए जा रहे ने, ठीक है। तुसी इत्थे कर लो, तुहानू अपना अपने आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लाने की जरूरत नहीं है। अगर तुसी मेरी 5000 वाली क्लास लगाने, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुसी हैंडल कर पाओगे। हाँ जी, ए विल बी द राइट आंसर कि कसूती एम्ब्रॉयडरी नू किनू दिता गया है? हैप्पी रक्षाबंधन जी, कर्नाटका नू दिता गया है। कसूती ट्रेडिशनल एक फोक एम्ब्रॉयडरी होंदी है जो कर्नाटका नू जी आई इंडिकेशन टैग दिता गया है। जी आई का मतलब होंदा जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो उत्थों ओरिजिनेट होंदी है। बिल्कुल तुहाड़ा आंसर जिहड़ा है कर्नाटका ही आएगा। मैं तुहानू दिखा देनी हाँ कुछ इस तरीके की होंदी है बच्चा, देखो कसूती इस तरीके की ये होंदी है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, डैश इज अ टेक्सटाइल आर्ट फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान। केड़ा इहदे विचों टेक्सटाइल आर्ट हैगा गुजरात ते राजस्थान दे विचों? इकात, चंदेरी, बंधनी या पेठाणी? गुजरात तो तुहानू दसना है बच्चा। अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुड ईवनिंग जी, हैप्पी रक्षाबंधन जी, भूपी। हाँ जी, राजस्थान की दसनी है, और सॉरी राजस्थान से गुजरात। केड़ा आएगा आंसर? चंदेरी? नहीं, एनी और एनी मोर गैसेस? ओके, पक्का चंदेरी? नहीं, तुहाडे सारे का आंसर गलत है। तुसी एक देखिए चुन्निया पाँदियाँ जिदे विच डॉट्स लगिया होंदिया ने, गर्ल्स ने पाइया होंदिया ने, मैं तुहानू दिखा देनी हाँ आ वालियाँ, ये कित्थे दी होंदिया ने? ये बंधनी होंदी है, टाइप ऑफ टाई डाई टेक्सटाइल होंदी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, मतलब इंडिया दे विच हर किते तुहानू हर एक स्टेट दे विच देखने को मिलेगी बंधनी। ये टेक्सटाइल जिहड़ी है तुहानू गुजरात ते तुहाडे राजस्थान दे विच देखने को मिलती है। संस्कृत वर्ड होंदा जिहदा नाम होंदा बंध, बंध का मतलब होंदा बाइंड करना या टाई करना, ते बंधनी जिहड़ी है ये गुजरात, राजस्थान, सिंध, पंजाब, ईवनली तुहाडे तमिलनाडु दे रीजन विच तुहानू ये देखने मिलती है। यस, जयपुर वाली साइड, ये जयपुर चुनिया होंदिया ने, है ना, अपने इत्थे भी तो किन्ने ज़्यादा होंदे ने, हाँ पोलका डॉट्स काइंड ऑफ, बट पोलका डॉट्स जिहड़ी होंदिया ने थोड़ी जी वड्डिया होंदिया ने, बट ये जिहड़ी है थोड़ी छोटी छोटी होंदिया ने। तुसी मैनू रोज़ दिखते हो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ उड़ीसा?
ट्रेडिशनल पेंटिंग इज ऑफ उड़ीसा, वर्ली, पट्टाचित्र, सांझी या मधुबनी? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगाओ आंसर। यस, वेरी गुड। की आंसर आएगा बच्चा? वर्ली, पट्टाचित्र, सांझी, मधुबनी। ओके, आंसर विल बी बच्चा पट्टाचित्र, बी विल बी द राइट आंसर, पट्टाचित्रा विल बी द राइट आंसर। हजे आप पिछे करके हटे हैं, मैं तुम्हें दिखाया भी सीगा, ये उड़ीसा की फेमस पेंटिंग हैगी ने। पट्टा मतलब जिदे विच कैनवस एंड चित्र मतलब हुंदा हैगा वा इमेज। फेमस कार्टूनिस्ट सीगे जिन्हों का नाम सीगा आर के लक्ष्मण। इन्होंने कार्टून बनाया सी जिदा नाम सी गत्तू। ये तुहानू दसना है केड़ी कंपनी तो, केड़ी कंपनी का, किस कंपनी तो बिलोंग करता है। गत्तू नाम का एक कार्टून बनाया सीगा। उन्हों की मैनू इमेज नहीं मिली बच्चा, क्योंकि 1954 दे विच बनाया सीगा। एक क्वेश्चन किसी पेपर दे विच आया होया, मैं उत्थों ही चक्या हैगा। फेमस कार्टूनिस्ट सीगे जिन्हां आर के लक्ष्मण, उन्होंने एक कार्टून बनाया सी गत्तू। अमूल दा? नो, अमूल दा तो हजे भी चलता आ रहा है। नहीं, अमूल आंसर, निर्मा दा भी नहीं हैगा। आंसर विल बी बच्चा एक ना मूवी सी मिस्टर एंड मिसिस, तुसी देखे मिस्टर एंड मिसर मूवी, मूवी सीगी एक कार्टून जड़े अपीयर भी हुए सी मिस्टर एंड मिसिस मूवी दे विच। आंसर आएगा बच्चा एशियन पेंट्स। मैंने पता सी तुसी गैस नहीं लगा पाओगे, दिस वन इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्होंने एशियन पेंट्स लिए बनाया सीगा। एक मूवी सी मिस्टर एंड मिसिस, उहदे विच एक कार्टून अपीयर होया सीगा। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग टू द सिक्किम? ओके, सत श्री अकाल जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग्स टू सिक्किम? केड़ी जड़ी ट्राइब हैगी है लिखिया विचो, केड़ी कबीले सिक्किम विच नाल संबंध हैं? हाँ जी, भूटिया। हाँ जी, भूटिया ट्राइब कहने पे हो। हर घर और कुछ कहता है। ओके, बी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल तुहाडा सही है। तिब्बतन ओरिजन है ये, सिक्किम दे विच पाई जाती है 16th century तो। ठीक है, इस तरीके की ट्राइब होंदी है बच्चा, सिक्किम इज पीपल दे विच पाई जाती है। ठीक है, उस तो बाद नेम द फेमस इंडियन पेंटर who was honored with the केसरी हिंद गोल्ड मेडल by British Viceroy of India, जिदा नाम सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जेडे सीगे, इन्होंने बंगाल का विभाजन भी किया सीगा, बट एक फेमस इंडियन पेंटर सीगे जिन्होंने ऑनर्ड किया गया केसर ए हिंद गोल्ड मेडल दे नाल। इन्हां दा नाम की सीगा? हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही उमदा क्वेश्चन जो तुहानू नहीं आंदा होएगा, आई नो दैट। गूगल का इस्तेमाल ना करियो, सीधा आंसर दियो। बी, अभी पेंटर सीगे, राइटर नहीं सीगे, पेंटर, पेंटर बच्चा, इंडियन पेंटर। हाँ जी, आंसर विल बी बच्चा राजा रवि वर्मा। आंसर हैगा तुहाडा सी, सारे दा आंसर गलत है। राजा रवि वर्मा, 1904 दी गल हुंदी है, वॉइसराय लॉर्ड कजन जड़े है राजा रवि वर्मा नू अवॉइड कर, मतलब अवॉर्डिड कर देने केसरी हिंद गोल्ड मेडल। ये जड़ा पब्लिक सर्विस ऑफ इंडिया लिए दिता जांदा सी, ते लॉर्ड कजन दे द्वारा राजा रवि वर्मा जो कि पेंटर सी उन्हां नू दिता गया। सारे दे आंसर गलत, -1 तुहानू नंबर मिलते ने। टू विच स्टेट्स डज द बाग स्टाइल ऑफ टैक्सटाइल आर्ट पेंटिंग बिलोंग? हाँ जी, किस स्टेट विच बाग स्टाइल ऑफ टेक्सटाइल आर्ट पेंटिंग जड़ी है बच्चा बिलोंग करती है? तुसी सोचो ना, टाइगर्स या सब तो ज़्यादा नेशनल पार्क कितने पाए जाते हैं, तो उत्थों ही तो बाग पेंटिंग बिलोंग करेगी। इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन, बाग का नाम आगे नाल दी नाल तुसी आंसर लगा सकते हो। वेरी गुड बच्चा, मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर। जो मध्य प्रदेश है, मैं तुम्हें यदि पेंटिंग भी दिखा देनी, कुछ इस तरीके की बच्चा होंगी, प्रिंट हों, ये बहुत ज़्यादा उत्थे दे सूट वगैरह या चादरा वगैरह तुम्हें इधर दी इदा दी देखने मिलनगियाँ। बाग प्रिंट इनू आप कहने ट्रडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट हों, ये धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के सब तो ज़्यादा देखने मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की गल करिए फिर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू महाराष्ट्र? कलम, मधुबनी,
ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਏਚਰ ਜਾਂ ਵਰਲੀ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੈਪੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਜੀ ਜੋਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਐਨੀ ਗੈਸਿਸ? ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਨੋ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਅਜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ। ਅਗਲਾ, ਦ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਫ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵਾਜ਼ ਓਰੀਜਨਲੀ ਡਨ ਬਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਇਸਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੈਮਿਨੀ ਰੋਏ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ? ਸੀ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਨੋ, ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਬੱਚਾ ਅਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਮਦਰ ਗੋਡੈਸ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਡੀ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਕਬੂਲ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਐਨੀਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਰਾਵਣੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਗਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਚੁਅਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਵਨ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਟਾਈਗਰ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਟਾਈਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਘੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਕਬੂਲ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, MF ਹੁਸੈਨ ਦੀ, MF ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਸਿਸ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫਰੀਲੀ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੋਟਿੰਗ ਗਰੂਵਸ ਔਰ ਇਨਗ੍ਰੇਵਿੰਗਸ ਇਨ ਦਾ ਔਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਕਲਰਡ ਇਨੈਮਲਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ? ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰੀ ਪਰਲੀ ਨਾਲ ਕੋਟਿੰਗ ਗਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ, ਜਰਦੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੀਨਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ UPSC ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੁਥਰ, 629 ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ SSC ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, UPSC ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, PSSSB ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਨਕਾਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, SSC ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ UPSC ਲੈਵਲ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਓਕੇ, ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਬੋਇਡਰੀ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਮਿਖੇਲਾ ਚਦੋਰ ਇਹ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸ ਹੈ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮਖੇਲਾ ਚੰਡੋਰ ਇਹ ਕਿਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੜੀਸਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਮ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ, ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਅਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੱਚਾ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਅਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਡਰੈਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਔਰ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਪਬਲੋ ਪਿਕਾਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਬਲੋ ਪਿਕਾਸੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਫੇਮਸ ਸੀਗੇ,
आर्टवर्क लिए फेमस सी, वैसटर्न म्यूजिक लिए फेमस सी, सोशल वर्क लिए फेमस सी, या तुहाडे बैलेट परफॉर्मेंस लिए फेमस सी? हाँ जी, हाय मनु, डॉन, नाम देखो डॉन। हाँ जी, आर्टवर्क बच्चा, एग्जैक्टली। देखो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने आर्टवर्क, अपनी पेंटिंग्स ली। मैं तुहानू इन्हां दी पिक्चर भी दिखानी आ, तुसी हिस्ट्री दे विच इन्हां दी पिक्चर भी देखी होनी है ना, कलाकारी ली। विच ऑफ द फॉलोविंग इज़ अ वेल नोन प्लेस फॉर चिकनकारी? अगेन सेम क्वेश्चन, पता नहीं क्यों रिपीट हो रहा बार बार। लखनऊ विल बी द राइट आंसर। अगे वध, नेक्स्ट क्वेश्चन आंदा है, ये तुहानू ये दसना है कि केड़ी पेंटिंग कित्थों बिलोंग नहीं करती है। इनकरेक्ट पेयर तुसी चूज करना है। हाँ जी बच्चा, लगाओ। की आंसर जड़ा है देखने नू मिलेगा? अगला क्वेश्चन दसो भाई। नहीं नहीं बच्चा, फेड पेंटिंग तो राजस्थान तो ही बिलोंग करती है, ठीक है। बाग पेंटिंग मध्य प्रदेश तो, ठीक है। तो जी थोड़ी सोरा पेंटिंग्स है उड़ीसा तो, बट जी गुलेर पेंटिंग है ना, ये कर्नाटका तो बिलोंग नहीं करती। कितों बिलोंग करती है फिर गुलेर पेंटिंग? हिमाचल प्रदेश तो, ठीक है, HP तो। ते इत्थे जड़ा है डी इनकरेक्ट आंसर आ जाता है। कुछ इस तरीके दी बच्चा पेंटिंग होंदी है, इनू आपां गुलेर पेंटिंग दे नाम तो जानते हैं। ये राजा दिलीप सिंह दे पेंटिंग्स मतलब उन्हां दे राज्य विच देखण नू मिलदियां सीगियां। लैंग्वेज है जिहदा नाम है निशी, पतानी ते बोकर। ये तुहानू दसना है कि कहड़े पर्टिकुलर स्टेट दे विच तुहाडी बोली जाती है, वाइडली स्पोकन की जाती है। ये तो ABCD कर देंगे ने, जो बच्चे हो वो तुम आंसर दे दिया करो, है ना। गुड आफ्टरनून सचिन महाजन, आज लेट है गया आपा, आपा एडे फेमस फेमस क्वेश्चन कर ले हैं, तुसी लेट आए हो क्लास के। हाँ जी बच्चा, मैनू तुहाडा नेम जड़ा है लिखा होया, मैं उही रीड किया, इहदा नेम रीड करके दस्सियो, बाकी सारे मैं नहीं रीड कर दी, जाओ जो मर्जी कर लो। लैंग्वेज लाइक निशी, अपतानी, बोकर, ये वाइडली स्पोकन कितने जाते हैं? कितने आप पहले ही किया कि जी निशी ट्राइब हैगी है, ये तुहाडा असम तो बिलोंग करती है, है ना, किता सीगा राइट। तो इतने जड़ा है असम ही आ जाएगा, क्योंकि इतों ही तुसी गैस लगा सकते सीगे। उस तो बाद अगे गल करते हैं, डैश इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये तुम दसना है कि केड़ा क्राफ्ट है जिदे विच शिफोन, मुस्लिन हो गया, ऑर्गेंजा हो गया, सिल्क हो गया, यदा इस्तेमाल किया जाता है। 629 लिखा हैगा तो मैं बोलांगी ही स्पेशल। हाँ जी दसो बच्चा, उत्तर प्रदेश की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कला है जिदे विच शिफोन का इस्तेमाल किया जाता है। जिवें तुसी अजकल देखते हो टॉप वगैरह के उपर भी चिकनकारी की जाती है, हाँ वो शिफोन से ही बने होंगे ने, तो चिकनकारी विल बी द राइट आंसर। लखनऊ भी है बट ये शिफोन हो गया, ऑर्गेंजा कपड़ा हो गया, सिल्क के उत्ते की जाती है। बट जे आप लखनऊ के कहने, लखनऊ के ज़्यादातर कॉटन वाले कपड़े के उत्ते की जाती है। कुछ इस तरीके बच्चा, नैक्सट क्वेश्चन दी। और राजा रवि वर्मा ये कंसीडर किए जाते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ इंडिया, जिन्होंने केसरी ए हिंद का टाइटल भी मिले लॉर्ड कजन तो, ये किस स्टेट तो बिलोंग करते सी? हाँ जी सही क्या रजत, मैं तो 420 भी बोल देना सी, क्योंकि जिदा नाम लिखे मैं उदा बोल देनी हाँ। हाँ जी ऑप्शन दिते गए ने बच्चा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल या केरल।
की आंसर जिहड़ा है तुहानू देखण नू मिलेगा। बच्चा मैं तुहानू दसना चाहवांगी अज साडे पंजाब दे महापैक दे विच डबल वैलिडिटी का ऑफर है। तुसी YAT77 कोड लगा के कोर्स नू परचेज कर सकते हो। अगर तुसी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो अज साडा हाई कोर्ट का पंजाब ते हरियाणा का मैं एनालाइजेशन भी लिता है, नाल दी नाल अज शामी आपां पेपर भी सोल्यूशन करांगे। 6 बजे ते 7 बजे दोनों क्लासेज हैं, तुसी लै सकते हो। हाँ जी, की आंसर आएगा बच्चा? राजा रवि वर्मा बच्चा केरला तो बिलोंग करते सी, इन्हां नूं केसरीए हिंद का टाइटल भी मिलिया लॉर्ड कजन तो, बहुत ही फेमस पेंटर सीगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन, हजे तुसी पिछे करके हटे हो। एक पॉपुलर बाग केव पेंटिंग्स हैगियां ने, ये कित्थे फाउंड होंदियां ने? ढिलो बच्चा बनिया हुई ने, पता नहीं क्यों नहीं मिलती। मैं कल हूँ छुट्टियां पै गई ने, मैं बनवा दाँगी, ठीक है? हूँ तो वेट करना पेगा। जी थोड़ी बाग के पेंटिंग्स है तो ऑलरेडी अपा की मध्य प्रदेश तो, मैं ऑलरेडी तुम दस चुकी हूँ। बुद्धिस्ट केव भी इन्हों मनिया गया सी, बाग केव्स एंड 9 रॉक मोनूमेंट्स होंगे ने, मैं तुम्हें दिखा देनी कि लगते हैं कुछ इस तरीके, ठीक है? तो विंध्यास बाग टाउन हैगा एक धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश है, उत्थे तुम्हें देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, वट इज़ द अप्रोक्सीमेट प्लेइंग टाइम फुल वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम? बच्चा 6 महीने तक करने पैणगे। वट इज़ द अप्रोक्सीमेटली प्लेइंग टाइम तुहानू दसना हैगा वा फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम। हाँ जी बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी नाल करो। की तुहानू इंपॉर्टेंट जिहड़ा है देखण नू मिलेगा? किन्ने सैकेंड? 53 सैकेंड्स। पक्की गल है 52 सैकेंड्स होंदा, ठीक है? 52 सैकेंड्स होंदा फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम, 52 सैकेंड्स। अगला क्वेश्चन, सुनीता विलियम एक रिनॉर्ड एस्ट्रोनॉट सी इंडियन ओरिजन, इन्होंने दसना है कि इन्होंने स्पेस दे विच किन्ने डेज जिहड़े आ स्पेंड किए। बच्चा ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन SSC दे विच आया होया सी, क्योंकि ना SSC जिहड़ा है P SSS नूं फॉलो, मतलब P SSS SSC नूं बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, तो मैं SSC दे क्वेश्चन जिहड़े है लैके आई। हाँ जी, किन्ने डेज उन्होंने स्पेंड किए सी सुनीता विलियम्स? 195 एग्जैक्टली, बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आंदा है, दृश्य कला एग्जीबिशन जिहड़ी है ये तुहाडी रेड फोर्ट दे विच हेल्ड हुई सी शोकेस करन लई वर्क्स फ्रॉम डैश टिल इंडिया इंडिपेंडेंस। हाँ जी दसो, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड फोर्ट के उत्ते ना तुहाडी इंडिया इंडिपेंडेंस दी दिखाने लई एक आर्टवर्क जिहड़ी एग्जीबिशन हुई सी, वो किहड़े सेंचुरी दे लई हुई सी? 16वीं सेंचुरी दे विच, बिल्कुल। इहदे विच पेंटिंग सी अमृता शेरगिल दी, राजा रामवरी वर्मा दी, जिन्हां नूं केसरी हिंद दा टाइटल मिलिया, ते 16वीं सेंचुरी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन दी ओर आने, भारत रत्ना एंड पद्मा विभूषण अवार्ड्स इन इंडिया वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर, किहड़े ईयर दे विच दित्ते जांदे ने? ठीक है बच्चा, दिलों मैं करवा दाँगी, बच्चा तुहाडी मैं गल समझ ली है, पर हुण जदों मैम आणगे, जदों हॉलीडेज़ ओवर होणगियां फिर ही करा पावांगी, हजे हॉलीडेज़ चलदियां पईआं ना राखी दियां। हाँ जी, भारत रत्न अवार्ड जिहड़ा है ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मन्निया जांदा है, बट इहनूं पद्मा विभूषण ते भारत रत्न अवार्ड दोनों नाल दी नाल इंस्टीट्यूट उत्ते हुंदे आ, कदों होए सीगे? एग्जैक्टली 1954 दे विच, डी विल बी द राइट आंसर। देखो भारत रत्न सब तो पहला आंदा है, फिर उस तो बाद ये अवार्ड जो है 1954 दे विच है, जिस एक्सैप्शनल सर्विस होंगी है तुसी अगर दिती होंगी है किसी भी अपने ऑक्यूपेशन दे विच, ठीक है? फिर उस तो बाद पद्मा भूषण आंदा है जिन्हों 3rd हाईएस्ट अवार्ड किया जाता है, फिर उस तो बाद अगर तुसी कहनो पद्मा विभूषण आंदा है उस तो बाद, यानी कि जो आप कह रहे भारत रत्न तो बाद पद्मा विभूषण, फिर तुहाडा पद्मा भूषण 3rd हाईएस्ट। एक तुहाडा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये ओरल पोलियो वैक्सीनेशन ली इनू लॉन्च कि पोला, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन बच्चा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लॉन्च द
ओरल पोलियो वैक्सीनेशन इन? हाँ जी, हाँ जी बच्चा लगाओ। 2013 सीरम इंस्टीट्यूट जिहड़ा इंडिया दे विच 2013 दे विच इहनू लॉन्च किया गया सीगा। ये इंस्टीट्यूट एक पूना वाला नाम दे पर्सन दे द्वारा इसनों इंस्टीट्यूट किया गया सी। तुहानू लगेगा कि मैम ने इदा दा क्वेश्चन क्यों पाया है, अगेन है किसी एग्जाम दे विच आया होया क्वेश्चन है, हो सकता है तुहाडे एग्जाम दे विच भी कॉपी पेस्ट हो जाए। विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन द गेम ऑफ हॉकी? आपां जदों फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल दे बारे गल करदे आं, साडे इंडिपेंडेंट इंडिया ने कदों जित्तिया हॉकी दे विच? आई डोंट नो बच्चा इहनूं की प्रॉब्लम हो गया सूथर नूं। हाँ जी, इन फर्स्ट इन विच ईयर, तुहानूं याद रखना है, इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम ऑफ हॉकी? 1948। अच्छा, किने जितया सीगा पहला? फिर 1948 बिल्कुल सही है। कौन जीते सीगे फर्स्ट आपा जितया सीगा ओलंपिक मेडल इन द गेम ऑफ हॉकी? ये साडा नेशनल इंटरनेशनल नेशनल गेम है हॉकी, ते आपा पहली बार कदों जितया? 1948 दे विच। बिल्कुल तुहाडा राइट आंसर हैगा। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर, किहड़े ईयर दे विच? फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर? हाँ जी, कदों होया सी? 1881 दे विच, 1873 दे विच, 1891 दे विच, या 1885 दे विच? लॉर्ड रिपन दे द्वारा। यस, बिल्कुल सही आंसर दिता तुसी, लॉर्ड रिपन दे द्वारा 1881 दे विच सब तो पहला अंडर ब्रिटिश वॉइस रॉय लॉर्ड रिपन दे अंदर होया सी, जिन्हां नूं आपां फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहने हैं। राइट आंसर। इन विच ईयर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? जदों तुसी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम दे बारे गल करदे हो, इनू कदों लॉन्च किया गया? अज दे क्वेश्चन ना सारे फैक्चुअल है, तां मैनूं समझ नहीं आ रहा मैं इत्थे की एक्सप्लेन करां ज़्यादा, तां इसलिए थोड़ा घट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिवेलपमेंट के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया सी, सेंट्रल प्रोग्राम सीगा, जो 14 नवंबर 2004 दे विच लॉन्च होया सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इदा दी गवर्नमेंट स्कीम जदों भी न्यूज़ च आंदियां ने इदा दे क्वेश्चन तुहानूं जरूर देखण नूं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आंदा है, लिटरेरी अवार्ड जिहड़ा हैगा ये वाला, ये कदों तुहाडा कह लो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड मनिया जाता है, बट कदों इंस्टीट्यूट किया गया? अगेन अवार्ड्स एंड कैटेगरीज तुहाडे पेपर दे विच हैगियां ने, तुहानूं पता होना चाहिए कि पहला किनू मिलिया। अच्छा, पहला एक साहू जैन फैमिली सी, उन्हां नूं मिलिया, फाउंडेड किया गया सी साहू जैन फैमिली दे द्वारा, साहू जैन फैमिली इन्हां दे द्वारा इसनूं फाउंडेड किया गया सी 2004 दे विच। उहदा चलो हो गया, ये वाला दसो 1961 एग्जैक्टली आंसर जिहड़ा है 1961। पिछला लैक्चर भी देख लेना मेरा, अवार्ड्स एंड कैटेगरीज उत्ते ही निर्भर हैगा, वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सैशन हैगा। अगला क्वेश्चन दी, और इन विच ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टैबलिश, कदों जी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जी है इसनों इस्टैबलिश किया गया? हाँ जी, 1 जनवरी दसो, 123 नेशनस ने साइन किया, 15 अप्रैल 1994 इनू रिप्लेस कर दे, रिप्लेस इन्हें किया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड नू। 1942 नो, 1995 विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनू इस्टैबलिश किया जदों साडे भारत दे विच रिसेशन आए सी 1991, उस तो बाद। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर जिन्हों का नाम है दलाई लामा सीक पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया? यस, इन विच ईयर डिड तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर जिन्हों का नाम है दलाई लामा सीक पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर होया सी इन 1959 बच्चा, 1959 ठीक है। इन विच ईयर फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लेड इन बॉम्बे, जिन्हों हुण आपां मुंबई कहने हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया यदि फाउंडेशन जड़ी है
कदों हुई? इन विच ईयर वाज अ फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लेड इन बॉम्बे नाउ नाउ इन मुंबई? हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन दी और बी विल बी द राइट आंसर। नो, ध्यान नाल सोचो, द फाउंडेशन ऑफ गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, गेटवे ऑफ इंडिया हमेशा आंदा, 1913 दे विच कीती गई सी, ठीक है, 1913 दे विच, ठीक है। आओ इहदे बारे जानदे हां। फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ले डाउन ऑन 31 मार्च 1913। दैन गवर्नर ऑफ बॉम्बे उस वक्त कौन सीगे? सर जॉर्ज सीगे। इट वॉज बिल्ट इन द ग्रीटिंग ऑफ द अराइवल ऑफ द किंग एम्परर, जिन्हों का नाम से जॉर्ज वी एंड क्वीन एम्प्रेस मैरी, तो इन्हों की फाउंडेशन जी गेटवे ऑफ इंडिया की लेट की गई सी, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन दी और, इन विच पीरियड वाज द लीजेंडरी विक्टोरिया टर्मिस, ये तुहाडा स्टेशन जिहड़ा है बनिया, जिन्हों बाद जाके करंटली अज बोलिया जाता छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई के बिल्ट किया गया। बच्चा मैं ब्लॉक नहीं कर सकती, टीम वालों होंगे है जो बोल रहे उन्होंने बोलन दो, आप की करना, आप अपना काम कर दें, है ना। ये वो अपने संस्कार दिखा रहे, आप अपने संस्कार दिखाने चुप हो के, है ना, बैटर है, बहस करना कोई फायदा नहीं होंगे। इन विच पीरियड वाज अ लीजेंडरी विक्टोरिया टर्मिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने आज छत्रपति शिवाजी महाराज कहने, जो कि मुंबई के फाउंडेशन कदों रखी गई, इनू कंप्लीट किया गया 1888 दे विच, बट अगर असं यदि फाउंडेशन स्टोन के बारे गल करिए 1878 तो लैके 1883 तक होंगे। ए विल बी द राइट आंसर। विच ईयर वॉज अ करंसी बिल्डिंग इन, जिन्हों आप द BBD या बाग ऑफ डलहोजी एरिया कहने, जो कि कोलकाता दे विच कंस्ट्रक्टेड किया गया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो बच्चा एक क्वेश्चन है ने, हिस्ट्री दे ही क्वेश्चन है कि कदों केड़ी चीज़ बनाएगी या कित्थे बनाएगी, ठीक है। की आंसर आएगा? इन विच योर करंसी बिल्डिंग BBD बाग और डलहोजी एरिया ऑफ कलकत्ता कंस्ट्रक्टेड। बच्चा इनू 1883 दे विच कंस्ट्रक्ट किया गया सीगा। मैनू आ तुहानू ईयर नहीं दसना, मेजरली मैनू यह दसना तुहानू ये कोलकाता दे विच सीगा, तां मैं क्वेश्चन पाया है। मैं तुहानू एक होर चीज़ दसना चाहवांगी, अज साडा पूरा दा पूरा पेपर एनालाइजेशन दा पार्ट हैगा बच्चा, जिहदे विच मैं हरियाणा हाई कोर्ट दे पूरे पेपर सोल्यूशन करांगी। देखो मैं ऑलरेडी पूरे सोल्यूशन कर ले ने, ते सोल्यूशन अगर तुसी लैना चाहते हो, तुसी पूरा पेपर सोल्यूशन करवाना चाहते हो, तो शामी तुसी आ सकते हो 6 बजे। एक साडा होर पेपर मैं एनालाइजेशन अज करांगी, पंजाब पुलिस के जो पेपर्स होए ने साडे SI दे, जो हुण रद्द करके दोबारा तो आई है तुहाडी वैकेंसी, उहदे पेपर भी आपां एनालाइजेशन अज तो स्टार्ट कर रहे हैं। वो तुहाडा पेपर आपां 7 बजे करांगे, ते एक अपना पेपर हाई कोर्ट दा आपां 6 बजे करांगे। ये दोनों सैशन तुसी लै सकते हो Adda247 दे YouTube चैनल दे उत्ते, ठीक है, तुहानू सारयां नू आना है। अगला क्वेश्चन आंदा है, इन विच ईयर DC सिरकर पब्लिश इंडियन एपीग्राफी एंड इंडियन एपीग्राफिकल ग्लॉसरी। ये भी इंडियन हिस्ट्री तो आया हुआ क्वेश्चन हैगा, ठीक है। ये बुक जी है, ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की या एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की जी इंस्क्रिप्शन होंदिया ने वो बारे दसया गया। थैंक यू, क्योंकि कहने पे सैशन थोड़ी ना खत्म हो गया है, अगे पढ़ो, हजे मैं क्वेश्चन करवाने ने। फिर थैंक यू करते रहेंगे, जो तो भी मैं कुछ एक्स्ट्रा दसूंगी ना थैंक यू कर लग जाएंगे, जिमें हजे मैडम चली है। हाँ जी, 1965, नो बच्चा 1956 तो लैके, हाँ जी 1965 तो लैके 66 तक, ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर टू अडिशनल कमीशन अपॉइंटिड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन है, पॉलिटी दे विचो आ गया है। अच्छा, SI एग्जाम ले, ठीक है, फिर समझ गई। बच्चा मैं सारे पेपर ले आई हाँ, थोड़े सारे पेपर आप सॉल्व करांगे बैठ के। इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर टू अडिशनल कमिश्नर्स अपॉइंटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? 1989, 1991, 1990 या 1998?
1989. हाँ जी आंसर विल बी बच्चा 1989 बिल्कुल. ओके आ रहा मैं 1998 देखी जानी है. 1989 एक कमीशन जी है पहली बार इनू दो कमीशन जीतियां गई सी एडिशनल कमीशन किसनू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नू क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेन्योर पीरियड सीगा उस वक्त इलेक्शन कमीशन लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अगला क्वेश्चन आज दे क्वेश्चन वधिया लगे यूजफुल लगे. देखो आज सारे क्वेश्चन पेपर दे विच आए हुए मैं दे विच एक भी क्वेश्चन आपे नहीं बनाया. ठीक है एक हैगी है मेरी 6 बजे आज क्लास एक हैगी मेरी 7 बजे. बच्चा अगर तुहानू मेरी क्लासेस अच्छी लगदियां ने तुसी 5000 MCQs कभी कदार मैं फैक्चुअल क्वेश्चन लैके आनी कभी कदार मैं बहुत डीपली क्वेश्चन लैके आनी हाँ यह हैगी 5000 MCQs सीरीज तुसी पंजाब के किसी भी एग्जाम्स लेनू लै सकते हो. 1921 बिल्कुल राइट आंसर हैगा बी विल बी द राइट आंसर द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड. विच ईयर यूनीसेफ इसनों फाउंड किया गया सेगा यूनीसेफ के बारे दसना है. पोला आ जाते हैं क्योंकि एस एस सी दी फॉलो करते हैं वो एस एस सी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं मैं एस एस सी दे ही फड़े ने क्वेश्चन पी ट्रिपल एस बी दे पूरा पूरा पेपर एस एस सी के क्वेश्चन होंगे ने ते आ सकते हैं. हाँ जी यूनीसेफ नू कदों क्रिएटिड किया गया बिल्कुल 1946 नू. बट तुहानू डरन वाली गल नहीं है क्योंकि एक दो क्वेश्चन आते हैं हाथों हाथ इदा के फैक्चुअल क्वेश्चन ता करके तुसी ता खुद करन वाले है नहीं गए तो मैं करवा रही हूँ. ठीक है हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन द यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख. एदा कोई तरीका नहीं है बार बार रिविजन लैनी पैंदी है. अंजलि बत्रा हाँ जी कोई बुक चो नहीं है पेपर्स तो लिते गए बच्चा प्रीवियस ईयर पेपर्स. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. अगर तुसी पी ट्रिपल एस बी दे प्रीवियस ईयर्स करना चाहते हो मैं वो भी लास्ट 10 ईयर्स के बच्चा सॉल्व करवाए ने तुसी प्लेलिस्ट लभ सकते हो उहदे विच तुहानू मिल जाएगा. बकायदा मैं संडे नू इस बार सैशन भी लिता सी पी ट्रिपल एस बी दे पेपर्स का तुसी वो भी लै सकते हो. आंसर जिहड़ा है तुहाडे दो हैगे डिस्ट्रिक्ट एक हैगा कारगिल डिस्ट्रिक्ट एक हैगा लेह डिस्ट्रिक्ट. दो है या तीन है मेरे हिसाब नाल दो है एक है कारगिल एक तुहाडा ले ते एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख या चार है दसो. दो होएगा चार होएगा हुण किन्ने हो गया प्रेजेंटली दो है कि चार है चैक करो लद्दाख दे विच किन्ने डिस्ट्रिक्ट है गया. नींद आ गई सीगी चलो आंसर ए आएगा बच्चा. वेन वॉज अ इंडियन रिफॉर्म एसोसीएशन जी है इसनू फॉर्म्ड किया गया. इंडियन रिफॉर्म एसोसीएशन इसनू फॉर्म्ड किया गया ये तुहानू दसना है. ये पहले प्रेजेंट कौन बने से केशव चंद्र सेन. कारगिल ते ले ओके ये तो चलो हो गया ये वाला देखो. वेन वॉज अ इंडियन रिफॉर्म एसोसीएशन इसनू फॉर्म्ड किया गया बच्चा किदे द्वारा ये पहले प्रेजेंट कौन बने से केशव चंद्र सेन ये भी तुहानू याद रखना है. आंसर आएगा 1870. ठीक है 1870 बच्चा ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जिवें तुहानू पूछ लिया जाता बंगाल बंग भाषा प्रकाशिका सभा कदों की गई तुहानू पूछ लिया जाएगा मद्रास प्रेजिडेंसी सभा कदों की गई तुहानू ये पूछ लिया जाएगा इंडियन नैशनल कांग्रेस नू कदों किया गया 1885 इदां दे क्वेश्चन तुहानू बहुत देखने मिलेंगे. ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है नाल दी नाल आज का सैशन जिहड़ा है कंप्लीट होंदा है. बट अगर तुसी पंजाब ते हरियाणा की तैयारी कर रहे हो बच्चा साडा बैच लॉन्च हो चुका है तुसी इस पंजाब ते हरियाणा के बैच के एनरोल करवा सकते हो. 23 अगस्त तो स्टार्ट हो रहा है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव होएगा ये तुहानू 78% डिस्काउंट ते मिल जाएगा. नाल दी नाल अगर असी गल करते हैं पंजाब ते हरियाणा का साडा ऑब्जेक्टिव ते सबजेक्टिव भी हैगा 78% डिस्काउंट अगर तुसी लेना चाहते हो Y8077 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो. मेरी बच्चा डेली क्लासेस होंदिया ने इन्हां क्लासेस दे विच आपां 5000 MCQs जिहड़े आ कर रहे हां जिहदे विच आपां इन्हां MCQs दे बारे गल करदे हां जो पी ट्रिपल एस बी दे स्ट्रिक्ट पैटर्न दी ओर है. मैं इन्हां विच कोशिश करदी हां इदां दे क्वेश्चंस लैके आउण दी जो डिफरेंट एग्जाम्स दे विच पुछे जांदे ने या जिन्हां दा परस्पेक्टिव जिहड़ा है GS GK दे नाल एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस होंदे ने. ठीक है अज अपनी जिहड़ी क्लास हैगी है तुहाडी 6 बजे भी हैगी है नाल दी नाल 7 बजे भी हैगी है जिहदे विच आपां
हाई कोर्ट के पेपर्स इन्हों का फुल एनालाइजेशन कर रहे हैं तुहाडे सामने। देखो मैं पीपीटी चला रही हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन मेरे को हैगी है। इसी तरीके नाल पंजाब एस आई पेपर यदा भी आप 7 बजे एनालाइजेशन करांगे, जिदे विच आपां पंजाब एस आई पेपर की सारी की सारी सोल्यूशन करांगे। ठीक है, आई होप तुहानू बच्चा अज की क्लास अच्छी लगती है। नाल दी नाल मैं तुहानू ये भी दसना चाहवागी बच्चा, अज साडे पंजाब के महापैक के रक्षाबंधन स्पैशल हैगा, डबल वैलिडिटी ऑफर हैगा। मतलब अगर तुसीं 1 साल लई कोर्स परचेज कर दो तो जड़ा है 2 साल ही मिलेगा, जिदे आप सारे कोर्सिज लै सकते हैं, क्योंकि पंजाब के महापैक के आने वाले अज वाले कोर्सिज बाकी सारे कोर्सिज इनकलूड होंगे ने। इस परचेज़ करने ली की कर सकते हो YAT77 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो पंजाब के महापैक 2 साल ही परचेज कर सकते हो। कि पेगा 3200 रुपये का। ठीक है, यू हैव टू यूज़ अ कोड YAT77, राइट। आई होप यू लाइक द सेशन गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।